क्या आपको पता है कि ये जो कीड़ा है ये लास्ट 3 करोड़ साल से इसी में फंसा हुआ है, और क्योंकि वहां हवा नहीं घुस सकता इसलिए उसका बॉडी 3 करोड़ साल से वैसे ही है और डिके नहीं हुआ है। इट्स माइंड ब्लोइंग। और क्या आपको पता है कि सिर्फ 500 ग्राम स्पाइडर सिल्क से, स्पाइडर का जो जाल होता है ना वो आप देखे ही होंगे, तो उसका अगर आप सिर्फ 500 ग्राम लो और उसे स्ट्रेच करो तो वो पूरे धरती को घेर लेगा। पता है इस वीडियो में आप ऐसे गजब तथ्यों को जानोगे कि आपके मुंह से 2 वर्ड निकलेगा, बहुत बढ़िया। क्या वीडियो है। फैक्ट नंबर 21, आप बर्फ को देखे होंगे, ठीक है, आपको पता है कि बर्फ ऐसा होता है जनरली टिपिकली, लेकिन मूवीज में आप ऐसे धारदार बर्फ को भी देखे होंगे, ऐसे कांटा वाला बर्फ, ठीक है, शीशे टाइप का बर्फ, इस पर अगर आप कूद गए तो बस गया आपके पेट के अंदर, ऐसा बर्फ। तो क्या ये रियलिटी में होता है? तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा लेक मिशिगन नाम के एक जगह में पाया जाता है, इन्हें आइस शार्ड्स कहते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही सीन देखने को मिलता है, मतलब फिल्मी चीजें रियल में कहीं कहीं पाई भी जाती है। फैक्ट नंबर 20, ये फैक्ट को ना ध्यान से सुनो, ठीक है, क्या है कि आपको पता है ना कि कोई भी चीज का जो रफनेस होता है वो हमें दिखता नहीं है, मतलब मान लो ये एक रिमोट है, ठीक है, रिमोट आपको कितना स्मूथ दिख रहा होगा, चमक रहा है टन, लेकिन अगर हम इसे जूम करें ना तो इसमें भी आपको बहुत डिफॉर्मिटीज दिखेंगी। वैसे ही अगर आप एक जो पुल बॉल होता है खेलने वाला उसे लोगे बहुत स्मूथ दिखता है, पर उस पर अगर आप जूम करोगे तो आपको डिफॉर्मिटीज दिखेंगी। तो हमारे धरती को अगर हम लोग जूम्ड आउट स्टेट से देखें ना तो वो भी हमें बहुत स्मूथ दिखेगी, ठीक है, एकदम स्मूथ, लेकिन जूम करने पर पता ही है कि पहाड़ होते हैं, घर होते हैं, ऊबड़ खाबड़ जगह होती है, ठीक है। तो स्पेस में अगर धरती के बराबर एक पुल बॉल को रख दें और धरती को ले लें तो आपको पता है दोनों में से ज्यादा स्मूथ कौन होगा? इतनी पहाड़ और डिफॉर्मिटीज होने के बावजूद भी पूल बॉल से ज्यादा स्मूथ धरती ही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप रियल लाइफ किसी स्मूथ चीज को लोगे या पूल बॉल को भी लोगे तो वो असल में डिफॉर्मिटी से भरी रहती है, और उसके कंपैरेटिव धरती एक्चुअली में बहुत स्मूथ ही है। मतलब इतने बड़े स्केल पर धरती होने के बावजूद भी नेचर ने उसे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मूथनेस दिया है, काइंड ऑफ। फैक्ट नंबर 19, ये एक बहुत ही सीरियस घटना आपको ध्यान से सुनना होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक घर में एक इंसान था, ठीक है, और बगल वाले घर से उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी अचानक, जैसे अंदर से आवाजें आ रही थी जोर जोर से बगल वाले घर से कि मर, तू मर क्यों नहीं जाता है, मर मर मर, मैं तुम्हें मार के रहूंगा, डाई, जस्ट मरो अभी। पूरा फर्नीचर तोड़ने का आवाज आ रहा था, बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, ऐसा टाइप का साउंड आ रहा था बगल से। तो सुनने के बाद पूरे नेबरहुड वाले लोग पैनिक हो गए कि अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या मतलब हो क्या रहा अंदर। तो फिर उन्होंने तुरंत ही पुलिस कॉल किया, पुलिस आई वहां, और फिर पता है क्या पता चला अंदर क्या हो रहा था? क्या बताऊं मैं आपको, वो इंसान असल में ये सारी चीजें एक मकड़े के लिए कर रहा था। I don't know I should laugh or not. वो मकड़े को भगा रहा था, और ये इंसिडेंट इतनी फनी थी कि द गार्जियन और भी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज साइट्स पर इस स्टोरी को कवर की गई थी। फैक्ट नंबर 18, स्पाइडर सिल्क जो होता है वो इतना डेंस और इतना फ्लेक्सिबल होता है ना कि उसका जस्ट आधा किलो यानी 500 ग्राम अगर आप लोगे तो उससे पूरी धरती कवर हो जाएगी। इसका एक बहुत ही डीप साइंस है, ठीक है, और स्पाइडर सिल्क के ऑफिशियल विकिपीडिया पेज के डेंसिटी सेक्शन में जाकर आप देख सकते हो अगर आपको इस फैक्ट का और रेफरेंस चाहिए और डीप साइंस चाहिए। पर जनरल मोटा मोटा फैक्ट यही है कि आधे किलो में ही अगर आप धरती के एक पॉइंट से शुरू करोगे तो वो पूरे धरती को कवर कर लेगा, 40,000 किलोमीटर। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 17, आपको ये पता है कि गर्मी में अगर आप कोई चीज को छोड़ दो तो वो सिकुड़ जाती है। तो एक एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कभी भी, और अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ जो वायरल हुई थी। उसमें क्या है कि एक इंसान ने अपने 2 चप्पल का जो पेयर होता है उसमें से एक को सूरज में छोड़ दिया था बहुत महीनों तक, ठीक है, और एक को घर के अंदर रखा था नॉर्मली। तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखो, ये उसने रेडिट में पोस्ट किया था, और देखो ये है सन वाला, ठीक है, इसका हाल क्या हुआ है, और ये है ऊपर अंदर वाला। गर्मी में ये होता है, आपको पता ही होगा, और इसे साइंटिफिकली मॉलिक्यूलर कॉम्प्रेशन कहते हैं। फैक्ट नंबर 16, रैबिट यानी खरगोश को तो आप जानते ही होंगे, ऐसे दिखते हैं, पर रैबिट में एक यूनिक प्रजाति आती है, इसका नाम है जायंट अंगोरा रैबिट, और ये दुनिया के सबसे क्यूटेस्ट रैबिट में से एक माना जाता है। इसके पूरे शरीर में गोल मटोल फर भरा रहता है, और यहाँ पर आपको मुश्किल से इसका आंख दिख रहा होगा, है ना, अब बस ऊपर यहाँ कान, अगर ये आंख कान को हटा दे तो लगेगा कि ये तो
ये वो क्या होता है ना, ये सिल्क का जो हमारे तकिए के अंदर होता है वैसा लग रहा है। फैक्ट नंबर 15, माउंटेन बर्ड नाम की एक बहुत ही यूनिक बर्ड होती है और इसका एक बहुत ही अमेजिंग पिक्चर एक फोटोग्राफर ने रेडिट में पोस्ट किया था। देखो इस माउंटेन बर्ड को। माउंटेन बर्ड्स तो यूजुअली ब्लू होती है, पर ये जो बर्ड है ये थोड़ा अलग ही ब्लू का शेड है। जो फिल्मों में हम लोग होलोग्राम देखते हैं ना, होलोग्राम ब्लू ब्लू, बिल्कुल काइंड ऑफ वैसे ही ये देखने पर लग रहा है कि ये होलोग्राफिक कलर है, होलोग्राम टाइप का। फैक्ट नंबर 14, मैंने आपको एक बार बताया था कि एंटोनोव AN-255 मिरिया ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्लेन में से एक है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका सोलो पिक्चर देखोगे, अकेले का पिक्चर देखोगे, तो आपको ना रेफरेंस समझ नहीं आएगा कि ये कंपैरेटिवली कितना बड़ा है। तो ये फोटो को देखो, ये जो नीचे आपको छोटा छोटा दिख रहा है ये तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, जो कि आप बड़े बड़े प्लेन्स को देखते हो रनवे पर, उसके कंपैरिजन में ये प्लेन इतना बड़ा है। That was the reference. Fact number 13. आप Google Maps को use किए होंगे। Google Map में एक satellite mode होता है जिसमें आपको actual image दिखता है, ठीक है, क्या scene है उस जगह का। और बहुत जगह 3D view भी होता है, बहुत जगहों building का। तो ये सारा चीज ना एक मशीन से कैप्चर किया जाता है और वो बिहाइंड द सीन मशीन को आप कभी देखे भी नहीं होंगे, पर आज देख लो, ये है Google Maps का वो मशीन। ऊपर में यहाँ पर 360 डिग्री मतलब मल्टीपल कैमरास लगे होते हैं और वो सारे इन्वायरमेंट का डेटा रिकॉर्ड करते हैं, और इसी मशीन से जो लिया गया डेटा है उसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जरिए एक साथ बैठाया जाता है और पब्लिक में एक्सेस करवाया जाता है। इंटरेस्टिंग है ना। फैक्ट नंबर 12, आप ये सोचो कि अगर ऐसा कोई सर्वे किया जाए जिसमें हम लोग सबसे ये पूछे और पता लगाए इस दुनिया में सबसे फेमस स्मेल कौन सा है, मतलब सबसे रिकॉग्नाइजेबल स्मेल कौन सा है। जैसे 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 एग्जांपल दूं तो आपको याद है बचपन में आप ड्राइंग करते थे तो जो कलर होता था ये वाला क्रेयॉन्स, इसका स्मेल कैसा होता था, कभी ना कभी आप सूंघे होंगे, ठीक है, मुझे पता है। तो ये स्मेल लगभग हर बच्चे को पता है क्रेयॉन्स का। तो ऐसे ही सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल स्मेल कौन सा है, तो Crayola.com का ये आर्टिकल देखो, ये पूरा लिस्ट है सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइजेबल स्मेल्स का। नंबर 1 पे कॉफी है। व्हाट, हाँ ओ व्हाट क्या, ये तो ऑब्वियस है ना। नंबर 2 पे है पीनट बटर, ठीक है। नंबर 3 पर है विक्स वेपोरब, हाँ ये भी सेंस बनाता है, ये तो होगा ही। नंबर 4 पे है चॉकलेट, अरे ये तो ऑब्वियस है। नंबर 5 पर है विंटर ग्रीन ऑयल, कोई तेल होगा, चलो। नंबर 6 बेबी पाउडर, बेबी पाउडर ये तो है ही, है ना, बच्चों वाला पाउडर का स्मेल वो तो पता ही है आप लोगों को। नंबर 7 सिगरेट बट्स, सिगरेट का बट मुझे नहीं पता। नंबर 8 मोथ बॉल्स, मोथ बॉल क्या होता है सर्च करना होगा, ओ ये होता है। नंबर 9 पे ड्राई कैट फूड, फिर बियर, फिर आइवोरी बार सोप, जूसी फ्रूट गम, ऑरेंज, सिनेमन, लेमन, ट्यूना, बनाना, क्रेयॉन्स, आह क्रेयॉन्स आ गया 18 नंबर पे, चीज, ब्लीच। फैक्ट नंबर 11, फंगी, एल्जी, फंगी, ये सब आप बायोलॉजी में पढ़े होंगे, फंजी, फंगाई, फंगी, फंगी कुछ बोलो। तो एक फंगी होता है जिसका नाम है विच्स बटर, और ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक फंगस है, ठीक है, वही फंगी, फंगस, फंगी, 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 लुंगी, चुंगी। तो ये है ना बिल्कुल एक जेली जैसा दिखता है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर इसे देखो लग रहा है कि कोई बटर गिरा दिया नीचे, ऐसा होता ही है। ये दुनिया के सबसे यूनिक ऑर्गेनिजम्स में से एक है, विच्स बटर। फैक्ट नंबर 10, इग्लू के बारे में पढ़े हो आप, इग्लू जो बर्फ में ऐसा होता है जगह जहां पर अंदर लोग रहते हैं, इग्लू पढ़ाई होगा साइंस, एनसीईआरटी, सीबीएसई, वो सब में। पर जब इसके अंदर आग जलाया जाता है ठंडा होने के लिए, तब का एक्चुअल इमेज शायद आपको कोई नहीं दिखाया, तब ये कुछ ऐसा दिखता है, पता है, अंदर आग जलाने पर। और ये बहुत ठंडे जगहों में किया जाता है, और सिंपल भाषा में मैं आपको अगर इसका इनर वर्किंग बताऊं तो क्या है कि अंदर की आग के चलते ये गलते रहता है अंदर से बर्फ, लेकिन बाहर से ये रीफ्रीज होते रहता है, समझे, मतलब अंदर से गलते रहता है और बाहर से जमते रहता है, और फाइनली ये ऐसे ही स्टेट में हमेशा रहता है। दैट वाज द इनर वर्किंग। फैक्ट नंबर 9, जो लीगल चीजें होती है, कानूनी चीजें, सरकार वाली चीजें, वो कितनी सीरियस होती है उसका अंदाजा आप इससे लगाओ। क्या है कि वॉलमार्ट में किसी ने कुछ खरीदा 98 सेंट्स का, ठीक है, मतलब आपको समझाने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि 0.98 पैसा में किसी ने कुछ खरीदा, पर जब वो औरत काउंटर में चेकआउट कर रही थी तब काउंटर वाले ने उससे 1 रुपए ले लिया, तो आप बोल रही थी मेरा 2 पैसा कहाँ है, वापस दो, और वो नहीं दी वापस, मतलब कौन ऐसा करता है भला। पर सिर्फ इसी के चलते उस औरत ने वॉलमार्ट को सू कर दिया, सू मतलब लीगल एक्शन ले लिया उसके खिलाफ, सिर्फ 2 पैसे के चलते, और कोर्ट में केस जीत भी गया, और वॉलमार्ट को फिर बाद में
क्योंकि लीगल एक्शन था तो वॉलमार्ट ने उस औरत को $100 दिया, मतलब 6,000 रुपए देने पड़े भरपाई करने के लिए। मतलब एक एक लीगल चीज, एक एक पैसा, बैंक में आप बोलोगे कि मेरा बैलेंस 0.05 है तो मतलब ये कोई नहीं है, लेकिन 0.05 जो ये पैसा है ये भी जिम्मेदारी बनता है कि बैंक आपको दे। और इस इंसिडेंट्स का बहुत सारा आर्टिकल्स भी आप देख सकते हो। मतलब देखो पैसा कितना मैटर करता है और लीगल चीजें कितनी मैटर करती है। फैक्ट नंबर 8, नेशनल ज्योग्राफिक ने एक बार एक पोस्ट किया था, उसमें ये इमेज को देखो। इसमें आप देख सकते हो कि एक जेली फिश के अंदर एक फिश मौजूद है। यहाँ पर आप हेडिंग के नीचे देख सकते हो कि एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर ने इसे खींचा था अंडर वाटर में, और ये फाइंड किया गया था कि वो जो अंदर वाली मछली थी वो जेली फिश के मूवमेंट को कंट्रोल कर रही थी। ऐसा मछलियों में पहले कभी नहीं देखा गया था। और जहाँ तक साइंटिस्ट्स अंदाजा लगा पाए उनके हिसाब से बहुत सारे फिश ऐसा अक्सर करते रहती है। उन्हें ये नई बात पता चली, वो जेली फिश के अंदर इसलिए जाती है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके कि कोई उसे खा न ले। ऐसे बहुत सारे फिशेस के स्पीसीज होते हैं जो कि जानबूझकर अंदर जाते हैं ताकि वो जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट हो पाए, उनसे बच पाए, एक सिक्योर व्हीकल की तरह यूज करते हैं। ये जो नई नई इंसिडेंट्स है ना, ये धीरे धीरे पता चल रही है। इसके बारे में डिटेल्स को अभी भी साइंटिस्ट को पता करने में बाकी है। फैक्ट नंबर 7, आप ये एक बार सोचो, सोचो कि आपके घर से जो बाथरूम से पानी निकलता है वो जाता है ड्रेन में, ड्रेन फिर कहाँ जाता है? ड्रेन जाता है बड़े ड्रेन में, फिर बड़ा ड्रेन कहाँ जाता है? वो जाता है और बड़े ड्रेन में, और फिर वो जो ड्रेन है वो किसी नदी में मिल जाता है, और फिर वो नदी फिर समुद्र में मिल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो निकल रहा है, जो कचरा, जो गंदा, जो डर्ट जो है, वो अल्टीमेटली गायब नहीं हो रही, आपके घर से तो चली गई ठीक है, लेकिन वो धरती पर कहीं ना कहीं है ही। तो आपको पता ही होगा कि नलियों का क्या हाल होता है, ऐसा कचरा सब भरा हुआ रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया में ना मेश ड्रेन्स होते हैं ड्रेन के एंड में, मतलब सबसे बड़ा ड्रेन जो कि नदी में मिलने जाता है उसके पहले ऐसा कुछ लगा हुआ रहता है, आप देख सकते हो। तो क्या है कि ये जो हार्ड डर्ट होता है उसे बीच में रोक लेता है, पानी जाता है वो तो ऑब्वियस जाएगा ही, उसे कैसे रोकेंगे, लेकिन कम से कम ये जो कचरा है ये तो बच जाता है ना, समझ रहे हो ना। तो ये देखो कितना अच्छा सिस्टम है ये मेश ड्रेन्स का, और ये सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, ये फेमस है ऑस्ट्रेलिया का मेश ड्रेन्स के नाम से भी, गजब है ना एनवायरनमेंट के लिए। फैक्ट नंबर 6, ये क्या है पहले ये बताओ, ये कोई फिल्मी सीन लग रहा है, लग रहा है कि किसी फैक्ट्री से ऊपर स्मोक निकल रहा है आसमान में, है ना, मस्त स्मोक निकल रहा है। और लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि अपने मोबाइल को आप एक बार उल्टा कर दो, एक मिनट मैं ही कर देता हूँ, आप मत करो। ये देखो उल्टा इमेज, इस इमेज को भी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह रेडिट में पोस्ट किया गया था। ये असल में सिर्फ पुल के नीचे जमा हुआ एक आइस है, ठीक है, जो होता है ना समुद्र नदियों के किनारे बना होता है लकड़ी पर चलने वाला, उसके नीचे ऐसे आइस जमा हुआ है, उसी का इमेज को अगर हम लोग अपसाइड डाउन करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कोई इंडस्ट्रियल सिटीस्केप है, इंडस्ट्रियल सिटीस्केप। फैक्ट नंबर 5, ये मैंटिस को आप देख सकते हो, और इस फेमस मैंटिस से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। 30 मिलियन ईयर ओल्ड प्रेइंग मैंटिस फंसा हुआ है एक एम्बर के टुकड़े में। जी हाँ, आप सोचो जरा, 30 मिलियन, 3 करोड़ साल पहले से उसका बॉडी ऐसे ही, ऑब्वियस बात है वो मर चुका है, लेकिन उसका बॉडी वैसे ही का वैसे ही है, गजब बात है, मतलब डेट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है दुनिया का सबसे फेमस सिटी कौन सा है? जनरल चीज होता है ना, जैसे मान लो कि अगर मैं आपको बोलूं कि ओ से कोई फल का नाम बताओ, ओ से कोई फ्रूट का नाम बताओ, तो तुरंत आपके मन में आएगा कि ऑरेंज। वैसे ही सबसे फेमस सिटी, फिल्मी सिटी, सबसे काइंड ऑफ एक पब्लिक में रिकॉग्नाइजेबल सिटी, वो है न्यूयॉर्क, यूएस का न्यूयॉर्क। तो ये देखो ये इमेज, न्यूयॉर्क ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, ये शाम के वक्त का एक फोटो है, और ये दुनिया के सबसे एडवांस्ड शहरों में से एक है। फैक्ट नंबर 3, एल्बट्रॉस बर्ड के बारे में आपको याद है जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था, उसका ये नॉर्मल इमेज देखो। आपको मैंने बताया था कि ये सबसे बड़े बर्ड्स में से एक है, और ये महीनों तक हवा में रहती है विदाउट लैंडिंग, इसका मतलब ऐसा लाइफस्टाइल ही हैबिचुएटेड है। तो इसका पंख एक्चुअल में कितना बड़ा है वो दिखाने के लिए आपको प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे मोमेंट में कैप्चर करेंगे कि आपको आइडिया लग जाए कि इतना बड़ा है। तो इस पिक्चर को देखो, ये एक बहुत ही फेमस पिक्चर है एल्बट्रॉस की, और इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका पंख कैसा होता है, कैसा अजीब और कैसा अमेजिंग टाइप का इस एल्बट्रॉस बर्ड का। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ये एल्बट्रॉस स्पीसीज दुनिया के सबसे बड़े बर्ड्स में से एक है।
फैक्ट नंबर टू, आपको पता है कि जो गली और पेड़, घर पेड़ बिल्डिंग, नेचर और डेवलपमेंट दोनों का बैलेंस कैसे किया जाता है? पेड़ लगा के, ठीक है, रोड के बगल में पेड़, पता ही होगा आपको। पर इसका हमें सबसे अच्छा एग्जांपल ना अमेरिका के लोम्बार्ड स्ट्रीट में देखने को मिलता है। एक बहुत ही फेमस जगह है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। इसका लगभग हर एक स्ट्रीट का आप अगर ड्रोन का व्यू देखो तो वो कुछ ऐसा होगा, मतलब गली गली में पेड़ है और सब कुछ अच्छा है इधर। और इसीलिए यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स हमेशा डिसेंट ही रहती है पेड़ों के वजह से। तो बार बार मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि पेड़ लगाओ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इंडिया में भी ऐसे ही हो। जब मतलब मान लो कि जब मैं भी पेड़ लगाऊंगा या कोई भी पेड़ लगाएगा तो एक मन में थॉट आता है कि यार एक लगाने से क्या हो जाएगा, ना एक मैंने लगा दिया क्या फर्क पड़ जाएगा। पर अगर एक एक करके सब कोई लगा दे ना तो बहुत फर्क पड़ेगा, है ना। और जैसा कि आपको पता होगा ये हमारे दुनिया के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। फैक्ट नंबर वन के पहले, अगर आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर वन, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये दुनिया की सबसे पहली फोटोग्राफ है, आई मीन लिटरली। फ्रेंच साइंटिस्ट जोसेफ नेसेफोर नेप्स ने इस फोटो को खींचा था, और ये एक रूफ टॉप यानी एक घर के छत का फोटो है जो कि एक दूसरे घर के विंडो से खींचा गया था। और ये पिक्चर साल 1826 में खींचा गया था, मतलब आज से करीब करीब 200 साल पहले। और आपको पता है उस जमाने में एक फोटो को क्लिक करने के लिए कितने सेकंड्स लगते हैं? आजकल का क्या है, आजकल कुछ खर्च करके मिलीसेकंड्स में फोटो खींच लेते हैं हम लोग। पर इस फोटो को बनाने में 8 घंटे लगे थे। जी हाँ गाइस, 8 घंटे, फर्स्ट फोटोग्राफ नोन टू मैनकाइंड। और इस फोटो को समझने के लिए हमें इसका एक दूसरा वर्जन लेना होगा। यहाँ आसपास घर देख सकते हो आप, और बीच में यहाँ पर आप उस जमाने के छोटे से घर का छत देख सकते हो, रूफ टॉप। इस फोटो को एक्चुअली में कैमरा ऑब्सक्यूरा नाम की एक कॉम्प्लेक्स इमेज कैप्चरिंग टेक्निक के जरिए इसे खींचा गया था। मतलब ये मत समझना कि लिटरली ये फोटो कैमरा से खींचा गया था, कैमरा ही था वो, मतलब दुनिया का फर्स्ट कैमरा ही आप मान सकते हो। बट केमिस्ट्री के नॉलेज को यूज करके उसे कैप्चर किया गया था, बिट्यूमेन कोटेड प्लेट पर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को करके, और उसे कैमरा ऑब्सक्यूरा में डालकर 8 घंटे सनलाइट में छोड़ने के बाद वो कैप्चर हुआ था, वो फाइनली इमेज तैयार हुआ था। मतलब लिटरली नहीं बट टेक्निकली हम लोग इसे इमेज ही मान सकते हैं। और कलर्ड फोटोग्राफ की बात करें तो दुनिया का सबसे पहला कलर्ड फोटोग्राफ ये है, जिसमें आप एक मल्टी कलर्ड रिबन को देख सकते हो, और इसे थॉमस स्यूटॉन ने खींचा था। और वर्ल्ड के सबसे पहले कमर्शियल कैमरा जो कि मार्केट में खरीदने के लिए अवेलेबल किया गया था, कमर्शियल कैमरा, वो ये था, द ग्यूरोक्स डाइग्रोटाइप। इट वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड कैमरा इन द वर्ल्ड। और धीरे धीरे करते करते कैमराज एडवांस्ड हो गए, और आजकल के कैमरा का तो हाल आप जानते ही हो। आजकल ना मोबाइल में कैमरा नहीं बल्कि कैमरे में मोबाइल होता है। सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा को ही देख लो, 108 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें। अब वो वक्त भी दूर नहीं ना जब हमारे आंख का जो मेगापिक्सल है 576 मेगापिक्सल, उससे ज्यादा का कैमरा निकल जाए, 600 मेगापिक्सल, 600 मेगापिक्सल का कैमरा। मैं तो वेट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करना, और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर इनमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।